तो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और अपने पैसे का ख्याल रख रहे होंगे और अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे होंगे। आज हम लोग यात्रा सीरीज में और अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में दोनों में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। माई डियर, आप लोगों ने जिस तरीके से यात्रा सीरीज को प्यार दिया है उसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोग बात कर रहे हैं बुलिश हरामी कैंडल का और बात कर रहे हैं डबल कैंडल स्टिक। अभी हमारी लोग की पूरी क्लासेस डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के आधार पर चल रही है। जितने लोग इस वीडियो से जुड़ रहे हैं उन सबको लेकर बता दें कि अभी हम लोग डबल कैंडल स्टिक्स की बात कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग फर्स्ट कैंडल स्टिक्स की पूरी क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक क्लास को पूरी तरीके से राइटिंग करिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज करिए, क्योंकि अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का सिर्फ एक मिशन और विजन है कि हम आपको पूरी तरीके से इसमें एजुकेट कर दें। अगर हम आपको 20-30 मिनट की वीडियो दे रहे हैं तो हम आपसे कोशिश करते हैं कि आप लगभग 1 घंटे का समय खर्च करें। यहाँ 15 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट, यहाँ व्यूज का कोई खेल नहीं। आप हमारे संस्था का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, दिस इज योर चॉइस। लेकिन हमारा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है कि हमें पूरी तन्मयता के साथ आपको एजुकेशन देना है, आपको एजुकेट करना है, आपको फाइनेंशियल लिटरेट बनाना है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एजुकेशन है, पढ़ाना है। तो भाई मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए पूरी तैयार हूँ। तो अगर हम आपके लिए 40 मिनट टाइम दे रहे हैं ना, तो हम आपसे कोशिश करते हैं कि आप हमें 1 घंटे रिटर्न कर दें। ये नहीं कि हमने आपको टाइम दिया, आप 15 मिनट के अंदर, मैं आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ कि 15 मिनट में अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ करके अपने जहन में उतार करके स्क्रीनशॉट लेकर के अपने मोबाइल में रख रहे हैं ना, तो मैं वैसा चैनल नहीं हूं। स्ट्रेट फॉरवर्ड साफ शब्दों में, क्यों? क्योंकि उससे वो आपकी गैलरी में चला जाता है और 15 मिनट के एजुकेशन से जा करके मेरे भाई दिमाग का थोड़ा ढक्कन खोलो, जा करके सेबी की नोटिफिकेशन को देखो, जा करके किसी भी ब्रोकरेज फर्म के जरा डिस्प्ले को देखो कि जैसे ही आप FNO पर आते हो तो पहला आपके पास डिस्प्ले क्या होता है। कहा जाता है कि 10 में से 9 लोग डेली मरते हैं और आपको लगता है कि 15 मिनट की यूट्यूब इंडस्ट्री पर ज्ञान लेकर के दुनिया का सारा कुछ उखाड़ देंगे आप। 10 में से 9 लोग वहां मारे जाते हैं, एक एक व्यक्ति सिर्फ वहां पर सफल है। और वो एक व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल ने ले रखी है डंडे की चोट पर पढ़ाने की। तो कई लोग क्या करते हैं कि 15 मिनट, 12 मिनट, 4 मिनट की वीडियोस को देखते हैं, एक्सरसाइज और प्रैक्टिस पर डिपेंड नहीं करते। मैं आपको सब साफ शब्दों बताता हूं, मुझे व्यस्त आदमी चाहिए, मुझे अस्त व्यस्त आदमी नहीं चाहिए, मुझे फोकस्ड आदमी चाहिए, डाइवर्टेड आदमी नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी बहतेरे प्लेटफॉर्म है, आप कहीं पर भी जाकर के कुछ भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीरियस है, सेंसियर है, तो यहाँ पर बने रहिए। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बुलिश हरामी। अगर हम लोग यूपी और बिहार शब्द से है तो हम लोग हरामी शब्द को थोड़ा निगेटिव मानते हैं माई डियर, लेकिन ये जापानीज शब्द है और जापानीज शब्द में हरामी का मतलब होता है एक प्रेग्नेंट औरत। ठीक है ना, तो वहां पर ये जापान शब्द से लिया गया हुआ है, इसलिए यहाँ पर शब्द हरामी है। तो इस शब्द को लेकर के आप लोगों के जहन में कोई ऐसा नेगेटिव परसेप्शन नहीं बनना चाहिए। ठीक है ना, शब्दों की ताकत को समझिए, ये शब्द जो है जापानी शब्द है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं बुलिश हरामी शब्द का, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न का, जिसमें हमने आपको बताया कि इसका आशय होता है एक प्रेग्नेंट औरत, ठीक है ना, हु कैरीज द बेबी। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज को देखते हैं कि सबसे पहले आपको एक यहाँ पर इस तरीके की रेड कैंडल फॉर्म होते हुए दिखाई देती है। ठीक, रेड कैंडल जो फॉर्म होती है, इसी रेड कैंडल के अंदर ही, ठीक है ना, एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती है। ये देखिए, समझिए, ठीक है ना, आप इस स्ट्रक्चर को, मैं अभी आगे तो समझा दूंगा, आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ऐसे करके मान सकते हैं कि जैसे आप देखिए कि एक इसको बेबी मान लीजिए, इसको आप मदर मान लीजिए, ये इसके अंदर पूरी तरीके से रहेगा, इसको हम लोग कहते हैं बुलिश हरामी। तो अभी हम आके इस चीज को लेकर के आप लोगों को पूरी तरह से समझाते हैं। फिलहाल आपको मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे बुलिश हरामी शब्द का आशय और अर्थ क्या होता है। ठीक है ना, अब थोड़ा सा इसको हम लोग आगे चल करके आपको पिक्चर के माध्यम से समझा देते हैं, जिससे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए ये सेंस। देखिए, हमने आपको बताया ना कि आपको इस तरह का स्ट्रक्चर ले लीजिए, यहाँ पर आप देखिए कि रेड कैंडल फॉर्म हो रखी है, इसी के अंदर ही देखिए ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म हो रखी है, और इसको हरामी शब्द को जापानीज शब्द में कहते हैं एक प्रेग्नेंट लेडीज, एक प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है ना, प्रेग्नेंट वुमेन, इसको हम लोग बात कर रहे हैं हरामी शब्द से, जापानी शब्द है। तो हमने देखा कि यहाँ पर इसका एक रेड कलर की कैंडल बड़ी सी फॉर्म होती है, जिसका आप यहाँ ओपन देखते हैं, जिसका यहाँ आप क्लोज देखते हैं,
ठीक है ना। ये इसका लो है, आपने इससे पहले बहुत बार पढ़ रखा है। ये इसका हाई है, आपने इसको पढ़ रखा है। यहां पर आप देखते हैं कि इसके बीच में एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, जो पूरी तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं इसको, एक शब्दों में तो आप कह सकते हैं कैरीज द बेबी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, बेबी। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, बेबी। इसको हम क्या मान लेंगे, एक प्रेग्नेंट औरत की तरह, जो उसमें ये पूरी तरीके से इसके अंदर होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं बुलिश हरामी। इस पैटर्न को जरूर ध्यान दीजिएगा, क्यों, क्योंकि मार्केट चेंज कराने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डबल कैंडल स्टिक्स में, ठीक है ना। डबल कैंडल स्टिक की यात्रा बहुत इनक्रेडिबल है, बहुत अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। और यह भी क्लियर बता दूं कि इससे पहले वाली फर्स्ट कैंडल का प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि इसके बाद जो ट्रिपल कैंडल स्टिक्स चलेगी, अगर को आपने पूरी तरह से कवर कर लिया तो ये मान के चलिए 70% ना आपने अपने नॉलेज को बेहतर तरीके से कर लिया। कुछ उसके बीच के हिडन पिक्चर्स होते हैं, उसको भी हम लोग समय निकाल करके डिस्कशन कर लेंगे। तो ओवरऑल पिक्चर के माध्यम से आपने बुलिश हरामी शब्द को देख लिया। एक चीज रिमार्केबल जरूर रखिएगा, जब बुलिश हरामी शब्द की बात आएगी तो रेड कैंडल बड़ी बनेगी, उसके अंदर छोटी कैंडल रेड ग्रीन कलर की फॉर्म होनी चाहिए, और इसके जहन में आपके ये होनी चाहिए वह रेड कैंडल उस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से इंगल्फ कर रखी हो, पूरी तरीके से अपने अंदर रखी हो। इसलिए इसको जापानी शब्द में कहा गया थॉट ऑफ प्रोसेस में, जिससे आप समझ पाए अ प्रेग्नेंट वुमेन हु कैरीज द बेबी। तो यहां पे इसको हमने बेबी शब्द से कह दिया, इसको हमने एक प्रेग्नेंट वुमेन के पिक्चर से दिखा दिया, और हमने कोशिश करी कि आप लोग ये चीज समझ पाए और अपने दिमाग में इस तरीके का चित्रण क्लियर कर पाए। अब यहां पर देखिए, थोड़ा सा इस चीज को लेकर के हम लोग इस पिक्चर को भी ध्यान से समझ लेते हैं कि भैया ये करना क्या चाहता है। तो यहां पर देखिए, सेम वही आपको रेड कलर की कैंडल फॉर्म होते हुए दिखाई दे रही है ना, रेड कलर की कैंडल आपको फॉर्म होते हुए यहां पे दिखाई दे रही है। अब ये रेड कैंडल का स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको दिखाई दिया कि ये ग्रीन कलर की कैंडल, देखो इसका हाई और लो, ये किसी भी एंगल से इस वाले के क्लोज से बाहर नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेषता ध्यान देना है। और ये जितना मिड टर्म में बनाएगा उतना ही कूल, उतना ही परफेक्ट होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। जैसे इसके स्ट्रक्चर में एक और आप एग्जांपल देखें कि अगर आपको ऐसे करके एक रेड कैंडल दिख रही है और अगर आपको ऐसे करके एक ग्रीन कैंडल दिख रही है और इसमें थोड़ा सा हाई लो बना हुआ है और इसमें थोड़ा सा ही हाई लो या फिर सॉलिड है, तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से कहेंगे बुलिश हरामी, ठीक है ना। ये रेड कलर की होनी चाहिए, ये ग्रीन कलर की होनी चाहिए। इसी में अगर आप बेयरिश हरामी की बात करेंगे तो आपको पिक्चर में क्लियर मैंने आपको बता दिया है कि यहां पर सबसे पहले रेड कलर की कैंडल फॉर्म होती है, यहाँ पे कैसी कैंडल फॉर्म होती है रेड कलर की, यहाँ कैसी होती है ग्रीन कलर की, इनगल्फ कौन कर रखता है, रेड जो है वो ग्रीन को कर रखा होता है। लेकिन इसी के उलट अगर हम लोग बियरिश हरामी की बात करें तो बियरिश हरामी में यहाँ पर ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलती है जो कि इनगल्फ कर लेता है रेड को। तो बात यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाहता था कि माइंड सेट में पिक्चर क्लियर रखिए कि एक प्रेग्नेंट वुमेन जिसमें रेड कैंडल अगर ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर जाती है, एक बेबी की तरह कैरी करती है, तो उसे हम बुलिश हरामी कैंडल कहेंगे। लेकिन अगर कोई भी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरा इंगल्फ कर लेती है, एक बेबी की तरह कैरी कर रही होती है, तो उसे हम लोग बियरिश हरामी कहेंगे, ठीक है ना। नोट्स और पिक्चर को देखो, नोट्स अगर आप अपने साथ नहीं रखते हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि बहुत पिक्चर को सॉलिड क्लियर रखना है। अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। मैं आप लोगों को लगातार बोलता रहता हूं कि पिक्चर के स्क्रीनशॉट लेके गैलरी में नहीं घोना है। और जितने लोग अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का ऐप डाउनलोड कर चुके हैं, जिन लोगों को सीखना है, लर्निंग लेना है, वो अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का ऐप या नीचे फोर्ड लाइन नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं कि किस तरीके से एजुकेशन हम हैंड होल्ड करते हुए आप लोगों को बताएं। अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का मुहिम बिल्कुल क्लियर है, हम 1 लाख स्टूडेंट का चुनाव करेंगे और 1 लाख स्टूडेंट को हम लोग पूरी तरीके से फाइनेंशियली लिटरेट करेंगे। पूरा विजन क्लियर है, पूरा मिशन सॉलिड है, और उनको फाइनेंशियल लिटरेट करने के साथ इतना डिसिप्लिन करेंगे और इस दुनिया का इतना बेहतर बेताज बादशाह बनाने की कोशिश करेंगे कि वो अपने पैरों पे खड़े हो, पहले वो अपना ग्रो करें, उसके बाद वो समाज हित में कुछ करें। तो इस मुहिम में भी अगर आप हमारा साथ देंगे तो हमें बड़ा खुशी मिलेगी और उसका लाभ आपको भी देखने को मिलेगा। अगर हम लोग यहां पर बात करें तो मार्केट डाउन ट्रेंड पर होनी चाहिए, तो यहां पर आपको डाउन ट्रेंड दिखा। अब यहां से आप लोग बिल्कुल यात्रा सीरीज को और बेहतर तरीके से समझना शुरू कर दीजिए। फिर आपको एक रेड कलर की सॉलिड कैंडल दिखती है,
ना यहाँ पे किसी तरह का कोई विक नहीं है, यहाँ पर एकदम सॉलिड ग्रीन कलर की कैंडल दिखती है। ये रेड कलर की कैंडल ने ग्रीन कलर की कैंडल को पूरी तरीके से अपने अंदर इंगल्फ कर रखा है, यहाँ पूरी तरीके से एक बेबी की तरह कैरी करके रखा है। उसके बाद आपको यहां से क्या मिल जाएगा, एक रिवर्सल मिल जाएगा, ठीक है ना। और रिवर्सल हमेशा किधर की ओर होगा, अपवर्ड होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है कि जब कभी भी कोई भी डाउन ट्रेंड में आ रही होती है तो यहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म होने के बाद अगर आपको बुलिश हरामी कैंडल मिलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेके यहां तक ना प्राइस का अच्छा रिजेक्शन हुआ है। तब उसके बाद इतने गैप अप के बाद अभी आगे चल करके ना आप लोग गैप अप और गैप डाउन की भी कैंडल को पढ़ेंगे, ट्रिपल कैंडल स्टिक्स में भी इसका बहुत बड़ा रोल पढ़ेंगे, इससे पहले भी आप एक बार पढ़ चुके हैं ना। तो ओवरऑल सबको समराइज करते हुए चलना क्योंकि सेकंड कैंडल स्टिक्स पर बातचीत हो रही है ना, तो मुझे ये याद ना दिलाना पड़े कि हैमर कब बन रहा है, कब आपका मारू बोजू बन रहा है, लाइक दैट लाइक दैट। तो यहां से प्राइस का रिजेक्शन हो गया और बायर्स अपने सपोर्ट लाइन से क्या हो गए, हावी हो गए। तो जब बायर्स हावी हो गए तो उन्होंने यहां से लेके यहां तक एकदम सॉलिड कैंडल को फॉर्म किया। उसके बाद मार्केट का जो सेंटिमेंट होता है या मार्केट की जो कंडीशन होती है वो प्रेडिक्ट की जाती है कि इसके बाद मार्केट एक रिवर्सल लेगी। लेकिन इसी में ही आपको इस बात का ध्यान देना है कि इस कैंडल के फॉर्म होने के बाद भी तीसरी कैंडल फॉर्म होने को अगर आप इंतजार कर लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा होता है एंट्री और एग्जिट का, आपको एक सही सिनेरियो मिलता है कि हाँ मैं यहां से एंट्री कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो ओवरऑल इस वाले पिक्चर के माध्यम से हम क्या समझ पाए कि कोई भी बुलिश हरामी कैंडल के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड के बाद एक पॉजिटिव सिनेरियो देती है अपवर्ड के लिए, तो वहां पर आप लोगों को थोड़ा सा सचेत और बाइंग पोजिशन के लिए अपने आप को बना करके रखने की कहीं ना कहीं सिनारियो आपके पास देती है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये बुलिश हरामी कैंडल का डेफिनेशन क्या होता है, तो जिससे आप लोगों को और बेहतर तरीके समझ में आ जाए। कहते हैं द बुल हरामी इज अ कैंडल स्टिक पैटर्न ऑफन ऑब्जर्व इन द फाइनेंशियल मार्केट पर्टिकुलर इन टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द स्टॉक मार्केट, इट इज द टू कैंडल पैटर्न That suggests the potential reversal of a downtrend. मतलब मार्केट में ये इस तरीके से डाउन ट्रेंड आ रहा है, यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल फॉर्म होते हुए दिखाई देती है, ये आपको एक रेड कैंडल फॉर्म होते हुए दिखाई देती है, फिर उसी के तुरंत बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल आपको इस तरीके से फॉर्म होते हुए दिखाई देती है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम कुछ इस प्रकार से लेते हैं जिससे कि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि ये कहीं ना कहीं इसको पूरी तरह से इंगल्फ करके रखी हुई है। इसके बाद हमें सिनेरियो ये समझ में आता है कि मार्केट इसके बाद एक रिवर्सल लेगी और रिवर्सल लेने के बाद ये किधर की ओर चली जाएगी, अप ट्रेंड की ओर चली जाएगी। ये सिनेरियो बताने की कोशिश कर रहा है, ये इसका डेफिनेशन है। टू कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स में ये फॉर्म होता है। अब इसके थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लेते हैं। चलिए रूल्स एंड रेगुलेशन पर कहता है फर्स्ट कैंडल कैसी होनी चाहिए। द फर्स्ट कैंडल इज अ लार्ज बेयरिश डाउन ट्रेंड। इसका क्या कहना है कि जो पहली कैंडल होनी चाहिए वो डाउन ट्रेंड में लार्ज बेयरिश बननी चाहिए। तो आपने देख लिया डाउन ट्रेंड में आ रही है, एक लार्ज बेयरिश कैंडल बन रही है, कैंडल स्टिक इंडिकेटिंग द सिग्निफिकेंट डाउनवर्ड मूवमेंट इन द प्राइस। मतलब ये और कोशिश करती है कि डाउन ट्रेंड में प्राइस को और बढ़ाया जाए, मतलब सेलर्स जो है यहाँ पर एग्रेसिव रहे और बेहतर तरीके से मार्केट को होल्ड करके लेके चले। सेकंड कैंडल कहती है द सेकंड कैंडल इज ए स्मॉलर बुलिश अपवर्ड कैंडल स्टिक विच इज कंप्लीटली इनगल्फ्ड। ये मैंने आपको पहले बताया था, कंप्लीटली इनगल्फ्ड विद इन द रेंज ऑफ द फर्स्ट कैंडल। विद इन द रेंज ऑफ द फर्स्ट कैंडल इज दिस है कि फर्स्ट कैंडल के लो फर्स्ट कैंडल के हाई के बीच में ही ये पूरी तरीके से इनगल्फ हो जाना चाहिए और कैंडल का कलर ग्रीन कलर का होना चाहिए और ये बड़ी कैंडल रेड कलर की होनी चाहिए। इस तरीके के फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, बुलिश हरामी कैंडल कहते हैं। और तीसरा शब्द मैंने आपको बताया यहाँ पर, हमेशा मैंने दो शब्द में तो आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई कि बुलिश हरामी शब्द बनता कैसा है, लेकिन यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि बुल हरामी पैटर्न सजेस्ट दैट द सेलिंग प्रेशर मे बी वीकनिंग। मतलब इस कैंडलस्टिक के फॉर्म होने का सेंस जो समझ में आता है चार्ट एनालिसिस में, वो ये समझ में आता है कि अब यहां से जो है ना जो सेलर्स है ना वो अपना एग्रेशन जो है ना वो जो आप पूरी तरीके से सेल करने के लिए जा रहे थे वहां पर बायर्स ने उसे होल्ड कर दिया, या ऐसे शब्द में कह लीजिए कि प्राइस वहां से रिजेक्ट हुई, ठीक है ना। तो वीक शब्द वहां पर उपस्थित हो जाएगा। कहता है एज
एविडेंस बाय द स्मॉलर सेकेंड कैंडल बीइंग इंगल्फ्ड बाय द लार्ज फर्स्ट कैंडल। आपको सिग्नल कहां से मिला? ये जो फॉर्म बना कि वहां से जो सेलर थे जब तक वो हावी थे, लेकिन नीचे सपोर्ट लाइन से, अभी आगे पूरा समझाएंगे ना, पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक एक करके चीजों को समझते हुए चलना है, ठीक है ना। मैंने पहले भी कहा शॉर्टकट का ज्ञान स्थानीय ट्रेडिंग स्कूल में नहीं है। व्यस्त आदमी चाहिए, अस्त व्यस्त आदमी नहीं चाहिए, फोकस्ड आदमी चाहिए, डाइवर्टेड आदमी नहीं चाहिए। 500 रुपए में करोड़पति बनने वाला कोई मंत्र वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, सॉलिड एजुकेशन पर काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर हमने आपको क्या कहा कि ये जो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को जैसे ही इंगल्फ करती है और एक बुलिश रामी पैटर्न बनाती है, तो वहां पर हमारा पिक्चर क्लियर हो जाता है कि रेड कैंडल मतलब सेलर्स जो हैं वो अब प्राइस को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, और अगर ये अपने सपोर्ट लाइन पर बन रही है तो और अच्छा है। अभी आगे चलकर उसको समझाता हूं। तो वहां से क्या हुआ कि मार्केट अगर अप ट्रेंड की ओर जा रही है तो एक सिग्नल आपको मिल जाता है कि नाउ मार्केट हैज अ रिवर्सल, अब मार्केट के पास एक रिवर्सल है। अब आप अपनी पोजीशन क्या बनाएंगे वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। बीइंग इन्वॉल्वड बाय द लार्जर फर्स्ट कैंडल, इट इंडिकेट्स इंडिकेशन इन द मार्केट विद बुल्स पोटेंशियली स्टार्टिंग टू गेन कंट्रोल आफ्टर पीरियड ऑफ द बुल बियरिश। बियरिश के बाद अब कंट्रोल जो है सपोर्ट लाइन के बाद बुलिश हरामी कैंडल बनने के बाद अब कंट्रोल जो है वो बायर्स अपने हाथ में लेना चाहते हैं, अब वहां से वो प्राइस को आगे ले जाना चाहते हैं। इज इट फाइन? कहीं से कोई चैलेंज? और एक चीज मैं बता रहा हूं कि देखो मैंने यूट्यूब यूनिवर्सिटी पे ना इस तरीके से तुम्हें पूरा जीरो से फाइनल तक आपको पढ़ा दूंगा, मतलब जो जो आप कह रहे हैं मैं आपके लिए कर दूंगा, लेकिन मैं आपसे फिर से सजेशन देता हूं कि एक क्वालिटी एजुकेशन होती है जिसको हम जीरो से लेके फाइनल तक किसी टीचर के अंडर गाइडेंस में करें। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि नीचे बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल करके आप इसमें अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी ना। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए, जितने भी मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स आती हैं हम वहां पर, एकदम नया चैनल है आप लोगों को कहने पर बनाया गया है, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहां से देखिए माय डियर, एक डाउन ट्रेंड आ रहा था, डाउन ट्रेंड के बाद अचानक से आपने देखा कि यहाँ एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म होती है और इस रेड कैंडल के अंदर पूरी तरीके से ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। उसके बाद आपने देखा कि मार्केट में एक रिवर्सल यहां पर मिलता है। अब मैटर करता है कि हमारी एंट्री पोजिशन कहां पर होगी, तो अभी हम आगे क्वेश्चन में बात करेंगे। अभी सिर्फ हमने ये प्रैक्टिस करी कि मार्केट डाउन ट्रेंड था, एक रेड कलर की कैंडल बनी, ग्रीन कलर की कैंडल को उसने इंगल्फ कर दिया, सपोर्ट लाइन पर सेलर जो हावी हो रहे थे अब कंट्रोल बायर्स के हाथ में गया। अब मे बी कि आपको इस बात का एक रुझान मिला कि अब मार्केट एक अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है, लेकिन एंट्री कहां करना है, थोड़ा सा धीरज धरना है, एक एक कदम चलना है, फिर दौड़ना है, फिर उड़ना है। इस दुनिया में 10 में से 9 लोग फेल होते ही होते हैं। मैं 20 बार आप लोगों को बता रहा हूं कि बिना थोड़ी भी नॉलेज के आपको यहां पर कूदना इज कमिटिंग टू सुसाइड ना। एक टीचर का धर्म होता है कि हम आपको आगाह करते रहें, बाकी अगर कोई इंसान जहर की पुड़िया अपने हाथ में लेके घूम ही रहा है कि जहां मौका मिले फांक ले, तो फिर उसको ईश्वर ही सद्बुद्धि दे सकता है, मेरे बस का तो विषय नहीं है ना। लेकिन एक टीचर होने के नाते मेरा जितना धर्म है वो मैं आपके साथ निभा रहा हूं, वो मैं निभाता रहूंगा। आपका धर्म है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब यहां से बुलिश आप देख रहे हैं, एक बियरिश ट्रेंड था, यहां से आपने देखा कि एक रेड कैंडल फॉर्म होती है, यहां पे एक सेम ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है जो कि आपको इंगल्फ का एक स्ट्रक्चर दिखता है, बुलिश हरामी पैटर्न दिखता है, फिर यहां से आपको एक मार्केट अप ट्रेंड होते हुए दिखाई देती है। अब यहां पे स्टॉप लॉस कैसे लगेगा, एंट्री क्या होगा, एग्जिट क्या होगा, हम आगे इस चीज की चर्चा कर रहे हैं। बस आपको अभी प्रैक्टिस करते रहिए इस तरीके से जैसा मैं आप लोग को हैंड आउट करा रहा हूं। साथ ही साथ अगर आप लोग ना, देखो मैं लगातार अपनी वीडियोस में बोलता रहता हूं कि जितनी भी चीज आप पढ़ डालिए दुनिया की, अगर कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस दुनिया के जितने एनालिसिस अगर इंपॉर्टेंट है, तब भी मैं आप लोग को बताइए कि 10 में से 9 लोगों के फेल होने का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण है ये माइंडसेट।
मुख्य कारण जो है, तो उस पर हम लोग एक चर्चा करने के लिए साना ट्रेडिंग स्कूल पर काम कर रहे हैं। इसमें मैंने दो चीजें करी हैं, एक जो हमारे बच्चे पेड करना चाहते हैं, जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं, वो तो साना ट्रेडिंग स्कूल के ऐप पर जाकर, चाहे आप ट्रेडिंग में, चाहे आप म्यूचुअल फंड में, चाहे आप स्टॉक मार्केट में, एफएनओ में, डेरिवेटिव स्टॉक सिलेक्शन, कोई भी क्लासेस आप पढ़ना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल करके हमसे बातचीत कर लीजिए। पॉइंट नंबर टू, जो बच्चे किसी वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो भी वो मानकर चले कि साना ट्रेडिंग स्कूल आपके साथ भी उतना ही है। हमने क्या किया, एक दूसरा फॉर्मेट लेकर आ रहे हैं, पूछताछ सीरीज। पूछताछ सीरीज में नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कितना आपके लिए फ्रूटफुल है। 10 सेकंड आपके जीवन का लेकर के अपने काम की बात आपके लिए करता हूं, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को बहुत ही शुभकामनाएं और बड़ा आग्रह के साथ मैं इस चीज को लेकर के आपके सामने बोलता हूँ। पूछताछ सीरीज नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा उद्देश्य है कि आप और हम मिल करके ना सैटरडे संडे को लाइव जुड़ करके ना पूछताछ सीरीज में काम करें। आपको जो भी माइंडसेट से जुड़ी हुई, डिसिप्लिन से जुड़ी हुई, कैंडलस्टिक से, मतलब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली आप हमसे पूछें और हम और हमारी टीम आप लोगों को पूरी तरीके से हैंडहोल्ड करेगी। तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि क्या हमें पूछताछ सीरीज को स्टार्ट करना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत ही कूल हम लोग उसमें काम करेंगे, क्वेश्चन आपका, जवाब हमारा, पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट बाकी, ठीक है। तो इसके लिए माइंडसेट की जो क्लासेस हैं ट्रेडिंग स्कूल से संबंधित है, सिर्फ और सिर्फ एफएनओ ट्रेडिंग से जुड़ी हुई ना, तो इसके लिए अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो भी आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर कि कहां पर हम एंट्री कर लेंगे, कहां पर थोड़ी सी हम अपनी एग्जिट बनाएंगे, तो उसके संदर्भ में थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड दिख रही है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपको एक रेड सॉलिड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है भाई साहब, दिख रही है। फिर यहाँ पे हमें एक ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई दे रही है, बिल्कुल हाँ साहब, दिखाई दे रही है। फिर यहाँ से आपको एक रिवर्सल दिख रहा है जो कि अपवर्ड जाता है और जिसको हम लोग कहते हैं रिवर्सल। तो यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अब मैटर करता है कि हम अपनी एंट्री कहाँ पर बनाए, ठीक है ना, हम अपनी एग्जिट कहाँ पर बनाए, हम अपना एसएल कहां पे लें, हम एसएल को ट्रेल कैसे करें, ऐसे करके हम माइंडसेट से जुड़े हुए भी कुछ डिसिप्लिन रूल, गोल्डन रूल को डिस्कशन करेंगे। बिफोर टू डिस्कशिंग दिस, अभी हम थोड़ा सा गोल्डन रूल के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद यहां आकर के आपको बेहतर तरीके से सिखाते हैं। सबसे पहले गोल्डन रूल पर आ जाइए, ठीक है ना। और डायरी पे लेकर के नोट्स बनाना मत भूलिएगा, मैं 150 बार आप लोगों को बोलता हूँ और लगातार बोलता रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं न जाने कितने स्टूडेंट से वेबिनार के थ्रू, सेमिनार के थ्रू, पर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू मिलता हूँ, सबकी ये प्रॉब्लम है। 10 मिनट में दुनिया के सारे ज्ञान चाहिए, पॉइंट नंबर वन। साइकोलॉजिकल और मेंटली वो इतने अनहेल्दी है कि उनको शॉर्टकट चाहिए कि कैसे 10 मिनट में करोड़पति बना जाते हैं। तीसरा, लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब लेजीनेस आज रोक लेते हैं, आलस्य, बहुत व्यस्त आदमी है वो ना, दुनिया के सारे कारोबार वो अपनी जेब में लेके टहल रहा है, तो उसको शुभकामनाएं, ईश्वर उसको सद्बुद्धि दे। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसके पास मोबाइल है तो उसको लगता है इसकी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना, और उसके बाद वो गैलरी में खो जाता है बेचारा, बहुत ही व्यस्त आदमी। मेरे भाई, मैं आप लोगों को लगातार कहता आ रहा हूं, इकलौता ऐसा चैनल है जिसने कहा कि मुझे व्यूज से मतलब नहीं है, मुझे सब्सक्राइबर से मतलब नहीं है, मुझे ऑडियंस बेस से मतलब नहीं है। हमारा बेस से मतलब है कि अगर हमें 5 स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं तो हम आपके 5 स्टूडेंट्स की जिंदगी में कितना वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और बाकी तो आप लोग का प्यार रहेगा। चैनल तो अपने आप से 100 से शुरू किया था, 28 दिन के अंदर आपने 1000 तक पहुंचाने का बीड़ा ले लिया, तो मेरे साथ आप लोग हैं। लेकिन मेरा जो धम बनता है, मैं आपको बताता हूं, डायरी पेन और नोट्स के साथ पढ़िए, ठीक है ना, पूछताछ सीरीज में जुड़िए। जहां पर भी आपको समस्या आती है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल करिए, हर एक सहायता के लिए साना ट्रेडिंग स्कूल आपके साथ खड़ा हुआ है। एक ही मोटिवेशन, सिर्फ एक मोटिवेशन, हम आपको पढ़ाएंगे, दैट्स इट, क्लियर हो गया। तो चलिए आप अपना रूल्स रेगुलेशंस निकाल लीजिए और देखिए कि पहले मार्केट डाउन ट्रेंड होना चाहिए, यस साहब डाउन ट्रेंड है। फिर उसके बाद फर्स्ट कैंडल जो बननी चाहिए वो साहब रेड कलर की बननी चाहिए, तो चलो आज रेड कैंडल की ही बना देते हैं, ठीक है, रेड कैंडल बनाते हैं। तो यहाँ पर रेड कलर की कैंडल बन गई, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद जो सेकंड कैंडल बनती है वो कैसी बनती है भैया, ग्रीन कलर की बनती है, तो चलो ग्रीन कलर की कैंडल बना दो भैया। फिर इसकी कंडीशन क्या है साहब, कंडीशन ये है कि पहली कैंडल
इनगल्फ करी जानी चाहिए, मतलब एक प्रेग्नेंट वुमेन की तरह इसको पूरी तरीके से इनगल्फ कर जानी चाहिए। रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से अपने अंदर एक बेबी की तरह इनगल्फ कर जानी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये फॉर्म भी दिख रहा है। फिर इसके बाद सर होता क्या है, होता यह है कि इसके बाद हमें एक रिवर्सल मिल जाता है। चलो भैया रिवर्सल भी समझ में आ गया कि यहाँ से एक बायस का सेंटिमेंट अच्छा होगा और पॉजिटिवली वो अपवर्ड डायरेक्शन की ओर लेकर जाएंगे। अब मैटर करता है कि साहब कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए रेड कैंडल इनगल्फ्स ग्रीन कैंडल, ठीक है भैया हमें कंडीशन मिल गई। फिर टाइप क्या बन जाता है, बुलिश साहब, वहां से रिवर्सल हो जाता है और मार्केट जो है एकदम पूरी तरह से बुलिश हो जाती है। माय डियर इसको अपने नोट्स बना लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि एंट्री कहाँ पे लें एग्जिट कहाँ पे लें, तो चलिए इसको लेकर के थोड़ा सा हम लोग हर कैंडल फ्रेम में इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं आपको बताता हूं हर एक कैंडल में इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको ये नहीं अपना माइंडसेट बनाना है कि सर ये किस टाइम फ्रेम में, उसका माइंडसेट अलग होता है, वो ट्रेड करने का तरीका होता है कि किस समय पे आप एंट्री कर रहे हैं, उस समय मार्केट में प्राइस एक्शन और वॉल्यूम क्या है, उस समय पर मार्केट में ना आपका डेज होता है ना, 7 डेज में एक्सपायरी हो रही है, 5 डेज में एक्सपायरी हो रही है, तो वो जो एक्सपायरी है वो कितने नजदीक है ना। इस तरीके के आंकड़े अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं वो बेसिक्स पर कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको प्राइस एक्शंस पर सुपर एडवांस और एडवांस ब्लूप्रिंट पर काम करना है तो भी इंतजार मत करो, क्योंकि हजारों लोग, मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि थाउजेंड्स ऑफ द पीपल का मेन इंटरेस्ट होता है सना ट्रेडिंग स्कूल के बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल करके ये बताने के लिए। मैं माफी के साथ आप सबको बोलना चाहता हूं, जिससे और दूसरे लोग इसको लेकर इन्फ्लुएंस ना हो। तो एक टीचर के नाते मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कॉल लगा करके हमसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हम आप लोगों को शॉर्टकट्स पे कोई चीज पढ़ा सकते हैं। मतलब होता है ना कि आप लोगों को टिप सेलिंग्स के माध्यम से कुछ पढ़ा देना हो, या फिर हम आपके फंड लेकर के हम आपको यूज, तो भैया ये सब कारनामे हमारे यहाँ नहीं है। साफ शब्दों में मैं आप लोगों को बताता हूँ, पढ़िए, एजुकेशन पर काम करिए, अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। जब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो सारी चीजें सफल हो जाएंगी। तो एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है ना, ये सारी चीजों की अभी मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं सुपर एडवांस और एडवांस प्राइस एक्शन पर अगर आपको काम करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संस्था का लिंक है, ऐप का है, वेबसाइट का है, टेलीग्राम चैनल का है, व्हाट्सएप ग्रुप का है, साथ ही साथ बोर्ड लाइन नंबर भी है। आप कॉल करिए, कॉल करने के बाद जुड़िए और सीखिए और पढ़िए और फिर देखिए कि आपका मौज कितना है ना। तो आप लोग इस चीज को लेकर के समझिएगा कि ये अभी हम लोग बेसिक्स में बात कर रहे हैं तो ये सभी फ्रेम पर बिल्कुल सत्य साबित होता है, ठीक है ना, सभी फ्रेम पर। अब बात करते हैं एंट्री कहां करेंगे, तो कहता है अबव सेकंड ग्रीन कैंडल, मतलब जो दूसरी ग्रीन कैंडल है उसको फॉर्म होने दो, वहां पर आप एंट्री करिएगा, सेकंड ग्रीन कैंडल याद रखिएगा। स्टॉप लॉस कहां लगाना है, कहता है बिलो फर्स्ट रेड कैंडल, इससे पहले वाली जो रेड कैंडल है उसके लो पर। टारगेट अंटिल ट्रेंड चेंजेस, मतलब जब तक मार्केट का सिनेरियो चेंज होता हुआ आपको ना दिखे, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। चलो सीखो, डाउन ट्रेंड बिल्कुल हो रहा था, जैसा जैसा रूल्स कहा गोल्डन रूल वैसा वैसा करिए। फिर इसने कहा कि भैया मार्केट में एंट्री और एग्जिट कब बनाओगे आप ना, तो मार्केट में एंट्री और एग्जिट के लिए चलिए हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं बेहतर तरीके से। चलिए मेरे साथ रहिएगा, ये कौन सी कलर की कैंडल बनी माय डियर, रेड कलर, ठीक है ना। फिर इसके अंदर कौन सी कलर की कैंडल बननी चाहिए, ग्रीन कलर, तो उसको हम लोग किसी अन्य कलर से ले लेते हैं, ऐसे करके ले लेते हैं, आप इसे मान के चलिए ग्रीन कलर की कैंडल है, लिख दे रहे हैं सबको सामने सामने। फिर इसमें आपको कहा गया कि आपका स्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए साहब, तो आपने कहा कि एक प्रेग्नेंट वोमेन को ध्यान में रखते हुए बनना चाहिए, जहां रेड कैंडल जो है वो ग्रीन कलर कैंडल को पूरी तरीके से इनगल्फ कर जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है साहब, यहाँ पर भी बिल्कुल साफ सुथरा सबको समझ में आ गया। कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये मार्केट में डाउन ट्रेंड कंडीशन पर होना चाहिए, ठीक है सर, डाउन ट्रेंड पर होना चाहिए, तो यहाँ पर हम ये डाउन ट्रेंड पर दिखाई भी दे रही है। फिर उसके बाद ये वाली कैंडल का एक लो होना चाहिए, इस वाली कैंडल का एक हाई है, और अगर सॉलिड है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने रेड कैंडल का यहां से ओपन देख लिया और नीचे क्लोज देख लिया, यहां तक भी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होगी। ये ग्रीन कलर की कैंडल है साहब, तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि इसको पूरी तरह से इंगल्फ कर रखी है, तो आप यहां से एक लाइन खींच दीजिए कि हाँ भैया ये इसके अंदर क्या कर रखे हैं, इनगल्फ हो रखी है। अब तीसरी कैंडल अगर आपको यहां पर फॉर्म होते हुए दिखाई दे और अगर ये ग्रीन कैंडल है तब तो आपको बहुत अच्छा मौज आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर अगर ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तब हम इसके ये जो हाई आप देख रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट, ये
ठीक है ना, यहां से आप अपनी एंट्री को बनाइए। इज इट फाइन? जो स्टॉप लॉस लगाइए वो इसको स्टॉप लॉस लगाइए या तो इसको स्टॉप लॉस लगाइए, ठीक है ना। तो आपको अपनी एंट्री मिल गई, आपको अपना स्टॉप लॉस मिल गया। अब टारगेट देखिए, टारगेट जो होता है आपके स्टॉप लॉस का या तो 2x आप मान लीजिए, जैसे 30 अंक का आपने स्टॉप लॉस लगाया है तो 60 से 80 अंक का आप अपना टारगेट समझ लीजिए, या फिर टारगेट को तब तक होल्ड कर रखे रखिए जब तक मार्केट कंडीशन चेंज ना हो, जब तक मार्केट आपको एक चेंजिंग का कोई रूप ना दिखा रही हो तब तक बेहतर तरीके से अपने आप को स्टेबल रखिए, फॉर्म में चलने दीजिए। इज इट फाइन? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अब बात आती है कि स्टॉप लॉस लगाने के माय डियर बहुत तरीके होते हैं, ये नहीं कि मैंने आप लोग को बता दिया। और ऐसा मैं आप लोग को बार बार क्यों कहता हूं पता है? टीचर का अपना एक नैतिक दायित्व तो होता है ना, लालच नहीं होना चाहिए, एक नैतिक दायित्व तो होता है। उस नैतिक दायित्व तो के माध्यम से थोड़ा आप लोग भी मजबूत बनिए ना, थोड़ा कैलकुलेट करिए। मैं सिखाना क्या चाहता हूं, मैं कह रहा हूं अगर ये दुनिया का सबसे बेहतर रामबाण होता तो आज तक सारे लोग तो इसमें महारत हासिल कर लिए होते, दिन भर रामायण की तरह इसको लेकर के बैठ करके पढ़ रहे होते ना, यादिकट डालते पूरा। फिर पॉइंट नंबर टू, अगर इतना सत्य होता तो 10 out of 9 फेल क्यों है ना? इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रूप या प्रारूप है ये यूट्यूब यूनिवर्सिटी पर जो आपको मिसलीड या मिसगाइड कर रहा है। मैं आपसे शुरू से वीडियो आप मेरी उठा करके देखिए, मैंने डंके की चोट पर आपको बोला है कि दिस इज ओनली फॉर द 40%, ये सिर्फ और सिर्फ 40% है, 60% इस दुनिया का रूपरेखा अलग है, 60% आपकी साइकोलॉजी है, एजुकेशन है, पिक्चर के पीछे की स्टोरी देखने का एटीट्यूड है, रिसर्च है ना, पढ़ाई है, ये जो आप देखते हैं ना डिसिप्लिन जो मैं आपको लगातार बोलता रहता हूं, ये आपको कैसे लगता है यहां टाइम वेस्ट हो रहा है, ये है पढ़ा दिया जाए। मेरे भाई मैं आपको फिर से सभी निवेदन करता हूं, दुनिया का सारा ज्ञान किताबों में, कॉपियों में, यूट्यूब यूनिवर्सिटी में, गूगल पे, दुनिया की सारी जगह पर है। यहां पर जब आप आइए तो टीचर के साथ ये वाला रिलेशनशिप रखिए ना। कई लोग होते हैं ना 42 डिग्री सेंटीग्रेड धूप चल रही है फिर भी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, काला चश्मा लेके निकल जाओ, चारों तरफ हरियाली हरियाली। अरे भैया सावन के अंदर चारों हरे दिखेगा तो फिर उसके बाद आपको तो मौत ही है। तो इसलिए मैं आप लोग को बताता हूँ, मेरे नाते मैं अपने टीचर होने के नाते मैं आप लोग को क्लियर करता हूँ कि ये सिर्फ 40% माई डियर रूल है, 60% ये है जो हम और आप ये बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि फेक कॉल्स भी इसके अंदर एंट्री करती है ना, स्टॉप लॉस। अब आपको लगा कि सर ने पढ़ा दिए यहाँ पे है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है। अरे भाई अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपने चेक नहीं किया, अपना रिस्क प्रोफाइल मैनेजमेंट आपने कैलकुलेट नहीं किया, अपना आपने देखा नहीं कि आपका बजट कितना है। अब दूसरी बार स्टॉप लॉस किसी वजह से हिट कर जाता है और दोबारा आपके पास एंट्री का टाइम ही नहीं बचता है, ये सब पिक्चर कौन क्लियर करेगा? बस मैं भी ये कहता हूँ कि मैंने जो पढ़ा दिया वो दुनिया की सबसे ताकतवर चीज पढ़ा दिया, अब मेरे कहने पर, टीचर के कहने पर बच्चे उस फुटप्रिंट पर निकल जाते हैं ना। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हम आपको यहाँ पर एकदम पूरी तरीके से आगाह कर दें। देखिए फेक ब्रेकआउट हो गया या फेक कॉल्स हो गए, अब किसी वजह से मान लीजिए फेक में आप फंस गए और आप स्टॉप लॉस का आपका हिट कर गया और आपके पास बजट ही उतना था, अब दोबारा मार्केट आपकी कंडीशन पर आ गई बट अब आपके पास है ही नहीं पैसा उसमें दोबारा एंट्री करने का ना। कई स्टूडेंट्स थे तो मेरी मुलाकात में तो बार बार उनसे हाथ जोड़कर कहता हूँ मेरे भाई गलत ट्रैप अब तक थे ही, अब फिर से मेरे चैनल पर आने के बाद, मेरे से बात करने के बाद फिर से तुम गलत काम कर रहे हो, तो फिर तुम्हारे अंदर बुद्धि कहाँ है? जैसे सर 2.5 लाख का नुकसान कर चुके हो, 3 लाख का नुकसान कर चुके हो, फिर से 5,000-8,000 रुपए एजुकेशन पे खर्च करके 3-4 घंटे अपने एजुकेशन पे काम करके 2-3 महीने एक सॉलिड स्ट्रक्चर काम नहीं कर सकते ना। तो ये जुआ की तरह देखना बंद करो, दैट इज अ बिजनेस, बिजनेस की तरह सोचो, सीईओ फाउंडर की तरह सोचो ना, बिजनेसमैन की तरह सोचो। बाकी मैंने आपको बता दिया कि दिस इज ओनली 40%, असल मैंने आपको बता दिया रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रख के करिए ना, ये नहीं कि आपने बस ऐसा यहाँ पे देखा और खींच दिया। टारगेट को ध्यान में रख के करिए कि अगर आपने अपना टारगेट बुक कर लिया, देखो माइंडसेट जो कि हम अपने प्रीमियम क्लास में सिखाते हैं, यहां पर भी समझ लो कि अगर मार्केट मान लो यहां से लेके यहां तक अपवर्ड में आ रही है, चलो एक चीज सिखाई देते हैं, मान ली यहां से यहां तक आती है, अब यहाँ पे आपको एक ना रिजेक्शन देखने को मिल गया 3 कैंडल का, अब यहाँ से एक रेड कैंडल फॉर्म हुई। कई लोगों को लगता है ग्रीन 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 यहां पर साहब बने रहते हैं, उनको लगता है सर मार्केट यहां से अगर ऊपर चली गई तो, और जैसे ही वो निकालते हैं मार्केट ऊपर चली जाती है फिर वो थक जाते हैं, हे भगवान यहां से देखिए ऊपर चली गई,
और अगर निकालने नहीं और मार्केट रिवर्सल हो गई तो लगता है कि निकाल ही लिया हो तो थोड़ा प्रॉफिट। अरे यार तुम कंफ्यूज्ड ब्रेन के साथ कुछ ही नहीं कर सकते ना, कंफ्यूज ब्रेन नहीं। तो हम अपने माइंडसेट क्लास में क्या सिखाते हैं कि देखो आपका अपना टारगेट था 30 रुपीज में एंट्री करे थे, 80 रुपीज का टारगेट बनाए थे, 76 रुपीज तक मार्केट जा रही है, फर्स्ट बुक योर प्रॉफिट। सिंपल सा है, बुक योर प्रॉफिट फर्स्ट। अरे भाई बुक कर लिए, 40 रुपए का 50 रुपए का मार्जिन मिल गया, ग्रीन हो गए पोर्टफोलियो, कॉन्फिडेंस अच्छा हो। अब मार्केट मान लो किसी वजह से रिवर्स कर जाती है और यहां तक आ जाती है तो फिर से तो लमसम लमसम वही आ गई ना यार, फिर यहां एंट्री बनाने में क्या दिक्कत है। मैंने आपको कहा 40% आइडिया ये है, 60% आपका माइंडसेट है, 60% ये जो हम और आप बात करते हैं ये वो है। तो हमने आपको एंट्री बता दी, एग्जिट बता दिया, स्टॉप लॉस बता दिया, बाकी आप लोग पूरी तरीके से प्रैक्टिस करिए। जैसे ही फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल की क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग वेबसाइट पर जाकर के थाउजेंड ऑफ थाउजेंड पिक्चर्स बना पूरी तरीके से इसको लेकर के क्लियर आपको प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ने नीचे मुझे मैराथन मैराथन करके इस चीज को लेकर के बता दिया है कि हाँ हमें आपको इस तरीके से एजुकेट करना है और प्रैक्टिस करानी है। आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और आपको उसके रिलेटेड मैं आपको चीजें सिखा दूंगा। बाकी आप सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई करिए, ईमानदार रहिए, और अगर लगता है संस्था से जुड़ने के लिए तो नीचे बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल जरूर करिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर अटेंड कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ही आपका नैतिक दायित्व तो बनता है। बाकी आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। इसी के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट।